कराची में हलका बंदियों के खिलाफ अपना कल होने वाला धरना मुअक्कर कर दिया है। गवर्नर शेंस कामरान टेसोरी ने एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमराह मीडिया से गुफ्तगू की। कहा इस वक्त मुल्क में पाक पहरिया की एक्सपो जारी है जो 14 फरवरी तक जारी रहेगी। दुनिया भर के मंदूबे इस वक्त कराची में मौजूद हैं। आलमी मीडिया भी कराची में है। एमकेएम की जानिब से कल गैर मुइना मुद्दत के लिए धरने का ऐलान किया गया था। गवर्नर सिंध ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से कल के धरने को मौखर करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे में मर्दमशुमारी कराना भी शामिल है। जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है की गवर्नर सिंह विफाक और हमारे भी नुमाइंदे हैं, हम पैगाम लेकर आए हैं, बहरिया की एक्सपो में कोई रुकावट नहीं डालना चाहते। अब खबर आपको दें सांगर से, तो सांगर की भेल बरादरी ने डॉक्टर कादिर मक्सी पर एतमाद का इजहार किया और एसटीपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। यूसी करकली की भेल बरादरी ने जम्मू भेल, लालचंद भेल और अमोला भेल की सरबराही में डॉक्टर कादिर मक्सी पर एतमाद करते हुए जिला सांगढ़ सदर अली जिनू खास खेली तहसील संजोरो सरज इजहार कासिम लुगारी मोहम्मद खान सिद्धू नजीर सोलंगी माजिद सोलंगी रुस्तमगुल जामन सिंधी की मौजूदगी में एसटीपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। सांगढ़ में डॉक्टर फारूक यूसुफ जई की रहायशगाह पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के उर्स मुबारक के हवाले से पुरवकार तकरीर मुनासिब हुई। सांगढ़ में डॉक्टर फारूक यूसुफ जई की रहायशगाह पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के उर्स की मुनाकदार उपरवर तकरीर में सांगढ़ के मशहूर और मारूफ नाथवा गुलाम हुसैन दीवाना ने अपने दीगर नाथवा साथियों के हमराह सुफियाना कलाम में तो छन छन नाथों की तकरार बन गई और महफिल पर ऐसा सहर तारी कर दिया कि सारा मस मुआबे खुद होकर झूमने लगा। कहा जा रहा है कि डॉक्टर फारूक यूसुफ गई की रहायशगा पर हर साल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक इंतहाई शाना शौकत के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहम्मद अली लुगारी समेत दूर दराज से आए हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के दीवानों के अलावा सहाफियों ने भी तादाद में शिरकत की। अब खबर है जी कोहाट से, तो कोहाट में डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कोहाट में पैरामेडिक्स एसोसिएशन के सदर की क़यादत में कबीना के काम इजलास मुनाकिब हुआ। पैरामेडिक्स एसोसिएशन के सदर सैयद राशिद बुखारी की क़यादत में कोहाट पैरामेडिक्स एसोसिएशन कबीना का एक अहम इजलास जिसमें जनरल सेक्रेटरी हसन शाह, प्रेस सेक्रेटरी हाजी सफी मोहम्मद के अलावा दीगर कबीना मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में 16 फरवरी पैरामेडिक्स डे प्रोग्राम के लायहा अमल तरतीब दे दिया गया और मुतफिका तौर पर फैसला किया गया कि 16 फरवरी पैरामेडिक्स डे का प्रोग्राम हर सूरत कामयाब बनाएंगे। राशिद बुखारी ने जिला के तमाम पैरामेडिक्स साथियों से शिरकत की अपील की, कहा के हर प्लेटफॉर्म पर पैरामेडिक्स के लिए आवाज बुलंद की है और किसी सूरत पैरामेडिक्स के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेरों से आपको खबर देंगे तो जसगम साफ की जानिब से भी महंगाई के खिलाफ और डिजिटल मर्दमशुमारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर जसगम साहब के रहनुमाओं आसिफ फौजी सितार जोयो अली रजा अरवानी रहमान कुरैशी इंसार चन्ना इमरान बलीजी और दीगर ने प्रेस क्लब बतौर पहुँच कर मीडिया से गुफ्तगू की। शदीद नारेबाजी की कहा वफाकी हुकूमत ने चावल और सब्जियों की कीमतों में इजाफा करके आवाम का जीना दुशवार कर दिया है। मजदूर की मजदूरी 700 रुपये है, 600 रुपये में एक टाइम का राशन मिलना मुश्किल हो गया है और सिंध में डिजिटल आबादी की शदीद मजम्मत करते हैं। मर्दमशुमारी सिंधी कौम को अखिलियत में बलूचिस्तान की सियासी समाजी शख्सियत सूबाई मिनिस्टर CNW सरदार अब्दुलरहमान खान खेतरान ने आज अपने आबाई गांव हाजी कोट जिला बारखान में खेतरान कौम की 2 जैली शाखों सदीकानी और बाडियानी बरादरी में कत्ल का मसला हल करा दिया। दोनों फरीकिन का जिरगा अपने गांव हाजी कोट में बुलाया गया जिसमें सरदार अब्दुलरहमान खेतरान ने इलाका मैदीन वडेरू और मोजीन इलाका की मौजूदगी में फैसला सुनाया जिसे दोनों फरीकिन ने मनवान तस्लीम किया। आज सरदार अब्दुलरहमान खेतरान मिनिस्टर CNW की इस कावज को इलाका भर में सराहा गया और इन दोनों फरकीन में सुलह से इलाका वसेब में एक बहुत बड़ी आफत टल गई और इलाका अमन का और सुकून का गहवारा बन गया। सरदार अब्दुलरहमान खेतरान का कहना था कि मैंने अपने आबा व अजदाद के रस्म और उनके नक्श कदम पर चलते हुए सुलह का जो ये रिवाज है वो पूरा किया है और अपनी कौम और इलाके की तरक्की खुशहाली और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए हमा वक्त तैयार रहता हूँ और ये मेरी काविश है हमेशा जारी रहेगी। इस फैसले को सुनकर पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। जी न्यूज स्टोरी से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।